हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 गैंगस्टर इन वडोदरा गुजरात के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर वडोदरा पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, वडोदरा पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को जुर्म की दुनिया से बचाने का है। आप जुर्म की दुनिया से दूर रहें और जुर्म की दुनिया में कदम ना रखें। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है वडोदरा के कुख्यात गैंगस्टर अजरुद्दीन सिंधी उर्फ अज्जू कनिया का। यह पानीगेट के पुराने शहर का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास, चोरी, मारपीट और जबरन वसूली के 21 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे 2 अवसरों पर असामाजिक गतिविधियों पासा अधिनियम के कड़े रोकथाम के तहत शहर से भगा दिया गया था। अज्जू की दाहिनी आंख में एक छोटा सा भेंगापन है, जिसके कारण इसको कनिया नाम पड़ा। आपको बता दें कि अज्जू कनिया जबरन वसूली के आपराधिक मामले में अगस्त में इसे गिरफ्तार करके वडोदरा सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। उसी जेल में एक दूसरा अपराधी सुनील उर्फ साहिल महेश परमार भी हत्या के मामले में बंद था। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर माह में कनिया और परमार के बीच बहस हुई थी, जिसे जेल के कर्मचारियों ने हस्तक्षेप के बाद सुलझा दिया गया था। इसके बाद जब दोनों आमने सामने आए और बहस हुई, जिसके बाद मारपीट हुई, इसी दौरान परमार ने छत से गिरे धातु के नुकीले टुकड़े से कनिया पर हमला बोल दिया, जिससे कनिया की गर्दन पर गहरा घाव हो गया, जिससे मौके पर ही कनिया की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है वडोदरा के कुख्यात गैंगस्टर बोडियो का। इस पर हत्या, दंगा, घर में घुसने, चोरी, डकैती, शराबबंदी और जबरन वसूली के 39 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। असलम बोडिया से लोग घबराते हैं, इसलिए कोई भी इसके खिलाफ जाकर शिकायत नहीं करता है। आपको बता दें कि असलम बोडिया ने एक भूमि डीलर को फोन करके 9 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत भूमि डीलर ने सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में की गई थी, जिसके बाद एसआईटी ने एक संयुक्त पुलिस टीम तैयार की थी। एसआईटी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछा दिया था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बोडिया ने अपने वकील से मिलने के लिए शहर की चकली सर्कल में आएगा, और जैसे ही असलम बोडिया वहां पहुंचा, वैसे ही एसआईटी की टीम ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है वडोदरा के कुख्यात गैंगस्टर अनिल उर्फ एंथोनी का। अनिल एंथोनी मुकेश हरजानी गैंग का शार्प शूटर था। इस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआत में मुकेश हरजानी और अनिल एंथोनी, विजय उर्फ विजू और कई सदस्य साथ साथ काम करते थे। इसी बीच आनंद में मुकेश ने कपलेश चाका का मर्डर कर दिया, जिसके कारण उसे जेल हो गई। इसी दौरान इसके शराब का धंधा विजू चलाने लगा। जेल से बाहर आने के बाद मुकेश ने अपने विश्वासपात्र विजू, अनिल एंथोनी और साथी सदस्यों से हर महीने 5 से 1 करोड़ रुपए की वसूली शुरू कर दी थी, जो उसके साथियों को पसंद नहीं आया। इस कारण अनिल एंथोनी ने मुकेश हरजानी की हत्या की प्लानिंग बनाई और 2 शूटरों को रतलाम से बुलाया। मुकेश विजू पर सबसे अधिक विश्वास करता था, इसलिए विजू ने एक शराब पार्टी 20 अक्टूबर को हरनी रोड पर रखी, जिसमें मुकेश शामिल हुआ। मौका मिलते ही दोनों शूटरों ने हरजानी पर गोली चला दी, जिससे मुकेश घायल हो गया। इसके बाद अनिल उर्फ एंथोनी ने उसके माथे के बीच गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और साथी सदस्यों के साथ फरार हो गया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में लगी हुई थी। एक गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एंथोनी को मध्य प्रदेश के जावरा से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
इसके बाद इस लिस्ट में नंबर दो पर नाम आता है वडोदरा के कुख्यात गैंगस्टर मुकेश हरजानी का। इस पर हत्या के प्रयास अपहरण के कुल 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसे वर्ष 2011 में पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद इसे वडोदरा सेंट्रल जेल में रखा गया था और बाद में इसे राजकोट सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। वर्ष 2016 में इसे 31 मामलों में जमानत मिलने के बाद यह बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद वसूली के पैसों को लेकर इसका अपने ही साथियों से विवाद हो गया और इसके साथियों ने 20 लाख की सुपारी देकर अक्टूबर 2016 में मुकेश हरजानी की हत्या करवा दी। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में नंबर एक पर नाम आता है 90 के दशक के कुख्यात गैंगस्टर राजू रिसालदार का। इस पर उस समय लोग इसे वडोदरा के डॉन से भी नाम जानते थे। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 1993 में अखबार के एक संपादक की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इस हत्या को राजू के साथी सदस्यों ने अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस लगातार राजू रिसालदार की तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि राजू मुंबई में छिपा है। यह खबर सच्ची निकली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस जब राजू को मुंबई से वडोदरा ला रही थी तभी राजू ने भागने का प्रयास किया और इसी बीच राजू मुठभेड़ में मारा गया था। दोस्तों, ये थे टॉप 5 गैंगस्टर वडोदरा गुजरात। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।